बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, बीतलगोड़ फार्म पाकिस्तान, जिला लायलपुर। भैया, लायलपुर इसलिए कहते हैं कि ये लायलपुरी बकरियां हैं। आपके अबाउज दास से अगर पूछे लायलपुरी बकरियों के बारे में तो वो आपको बताएंगे कि लायलपुरी बकरियां कहते किसको हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलवारें बेच के खरीद लिए मसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। भाइयों, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। और भाइयों, चीमा साहब के पास आए हैं आज, तो रहील भाई भी साथ ही हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत करे। जब भी इनके पास आते हैं तबीयत खुश हो जाती है। ठीक है भाई, अब छोड़ दें चाय, शुक्रिया। तो भाइयों, बकरी तो स्पेशल क्वालिटी की है, पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, पता है कि हाइट लेंथ और क्या चीज है। तो भाइयों, चीमा साहब के पास बड़े दिनों बाद आए हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत करे। आज सारा ही बायोडाटा बता देना है कि बकरी माशाल्लाह जो है ना, वो दूध के बारे में और क्वालिटी, और इनकी इसकी दो पट्ठे हैं माशाल्लाह, छह छह मंथ की, साढ़े छह छह मंथ की बल्कि हो गई हैं। और ये देखें जरा माशाल्लाह चीजें, क्या कह रहे हैं, साढ़े चार मंथ की। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत करे भाइयो, अल्लाह ताला खैर करे। रहील भाई कम बता रहे हैं, लगता है कि साल साल की है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला खैर करे। और चीमा साहब तबीयत से कैसी थी? जो रहील साहब के पास बकरी है माशाल्लाह, ये कितनी की पसंद है आपको बताएं जरा। अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नजरे पास से बचाए। भाई स्पेशली चीमा साहब को बुलाया, बड़े हैं हमारे माशाल्लाह, पुराने शौकीन है, हमें तो आज शौक पैदा हुआ है। ये माशाल्लाह सारी जिंदगी गुजर गई है, इनके बाल सफेद हो गए हैं शौक के लिए। आपको भाईयो पिछले दिनों छत पे वीडियो दिखाई थी, नामवर बकरियां माशाल्लाह, चीमा साहब इनको स्पेशली वीडियो के लिए बुलाया है, दावत दी है। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत करे। इनके हाथों में आप अल्लाह ताला ने बरकत बहुत रख दिया बकरियों में ना माशाल्लाह। हल्की सी बकरी लेते हैं उसको तैयार बहुत अच्छा कर लेते हैं। और भाईयो, ये जो बकरी है ये तो माशाल्लाह 39-40 हाइट में है, लेंथ ही बहुत ज्यादा है, खूबसूरत बहुत है, दूध बहुत ज्यादा माशाल्लाह, ये रियली दूध है भाईयो। आप ये ना समझिएगा कि कुछ दो चार दिन का डका हुआ है, रियली। आप कोई दोस्त कहे ना कि रोजाना मैंने देखना तो देख सकता है माशाल्लाह। ये पल्लू गुजर के करीब का बकरी है, नामवर ब्लड लाइन है माशाल्लाह, पल्लू के घर की है। और माशाल्लाह ये पट ली थी रहील भाई ने, पाली थी, पिछले दिनों भी वीडियो दिखाई है आपको, तो अब तो स्पेशल वीडियो बनानी है इसकी इंशाल्लाह ताला, बच्चों का तारुफ और सारा बायोडाटा दिखाना है इंशाल्लाह ताला। तो रहील भाई बताएं जरा, कौन से बकरे से क्रॉस हुई थी ये सारा? भाई चूड़ गुजर है बाबा, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला के पास पहुंच गया। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत करे। ये उस नाम पर पूरे लायलपुरी बकरियों में नाम पर बाबा है, पुरानी ब्लड लाइन जो है ना उसके पास है। कभी उनकी भी बकरियों की इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो दिखानी है। तो भाईयो ये उस बकरे से क्रॉस हुई थी, बकरा किस दांत में था? छह दांत। हाइट होनी 47-48। रंग कौन सा था? नागरा कलर का था। ठीक है रहील भाई, ये दोनों पट्ठों में से ज्यादा पसंद आपको कौन सी है? दोनों एक बराबर की पसंद है। ठीक है भाईयो, पहले इस पट्ठ का जो है एक कलर की नागरी का तारुफ करवाते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले इसका नकोड़ा आपने चेक करना है। रहील भाई से थोड़ा सा नर्म करें पट्ठ को ना, ये देखे माशाल्लाह भाईयो, बड़े नकोड़े दिखाता हूँ मैं बड़े बकरियों के, लेकिन ये पट्ठे कोई और ही नस्ल की है माशाल्लाह। ये देखे जरा स्पेशली इसका नकोड़ा चेक करें, सींग, कानों की लेंथ, सफेद आईज, और ये इसका मुंह खोल के दिखाएं जरा रहील भाई, माशाल्लाह कच्ची है। ये देखें जरा, ये देखें, अल्लाह तेरी शान भाईयो, जब ये तैयार होंगी माशाल्लाह स्पेशली कोई चीज होंगी। इनके नीचे से आपने ये देखे टांगों की स्ट्रेंथ और खिलौने का स्टाइल, और ये देखे पूरी जान में है। और भाईयो सबसे जो जबरदस्त चीज है, माँ के झाल रहे बहुत अच्छी है, माँ के नीचे दूध बहुत जबरदस्त है। ये देखें दूध माँ के नीचे, जब भाईयो चार किलो दूध है, दो किलो एक बकरी ने माशाल्लाह पीना है पट्ठ ने, तो फिर तो तैयार तो स्पेशल ही होना ही होना है। ये आपको चला के पट्ठ दिखाते हैं माशाल्लाह, देखें जरा इसकी। चल भाई अभी पट्ठों को दूध भी पिलाएंगे। रेल भाईयो दूसरी पट्ठ का भी तारुफ करवाना आया, देखो भाईयो जरा माशाल्लाह, देखें जरा भाईयो तबीयत खुश होती है कि नहीं होती, ये भी बताना है आपने। ये देखे नीचे, ये अभी हवाना माशाल्लाह बना रही है, बच्ची है, लेकिन देखें जरा माशाल्लाह पट माशाल्लाह देखें। आज रहील भाई भी इसका भी जरा आप पकड़े जरा, खड़ी हो जा भाई, पकड़ लो माशाल्लाह भाईयो, ऐसे चमक रही है जैसे दिन चढ़ा हुआ है माशाल्लाह, देखें जरा माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए भाईयो। जो भी मेरा भाई पूरे पाकिस्तान में ये देखे, इनके लिए दुआ लाजमी करनी है इनकी ग्रोथ के लिए माशाल्लाह, देखें जरा
राहिल भाई ये पट पकड़ के जरा बताएं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका भी आपने नकोड़ा चेक करना है भाइयों। और बल्ली ये मुंह से ज्यादा खूबसूरती है उसकी भी है, और ये उससे भी ज्यादा माशाल्लाह फाइन क्वालिटी में है। ये देखो नाक झालर के नीचे भी है बिल्कुल वाइट, और निशान आंख नकोड़ा माशाल्लाह देखें जरा खूबसूरती। भाइयों नागरी बत्तियां बहुत देखते हैं आप, लेकिन माशाल्लाह स्पेशली 100+ पॉइंट है माशाल्लाह। भाइयों मैं ये कोई ख्वाब में नहीं कह रहा, कोई नींद की हालत में नहीं, बिल्कुल जो सामने देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वही बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में बरकत करे, जितने भी मेरे भाई व्यूवर्स हैं सबको अल्लाह ताला बरकत दे। भाइयों ठीक है भाई, दूध पिला लें फिर बाकी अल्लाह ताला खैर करे। चंगा है चंगा, मेरा ख्याल है राहिल भाई जब तक हाथ से पकड़ के पिलाते नहीं है तब तक ये नहीं है ना। अच्छा अच्छा, थानों को मेरा ख्याल है कि दांत मारती है इसलिए सही है। भाइयों ये टू टाइमर है पाठ, ये बकरी भी अभी पाठ है बकरी के, और ये देखें बच्ची है अभी, ये देखें जरा कोई दांतों में घुसाओ नहीं, कोई पूरा नहीं। मेरे ख्याल आठ दांत अभी हुई है या छह रही ना, होगी आठ दांत के नहीं, आठ दांत अब हुई है माशाल्लाह ताजी ताजी ना। पिछले दिनों जब वीडियो बनाई थी तब छह दांत थे ये पाठ ना। तो चीमा साहब आप भी को बताएं बकरी के बारे में इसके, आप तो नायाब है। अच्छा पता है, बारीक है काफी अल्हम्दुलिल्लाह, और दूध वाली है यही होती है इसकी जी। शुक्रिया लालपुरी, ठीक है ठीक है। भाईयो चीमा साहब माशाल्लाह हम सब में तजर्बाकार इंसान है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत करे, इसलिए इनसे पूछ रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर बरकत करे। आपको पता है काली डब्बी बकरी नामवर बकरी की वीडियो बनाई थी इनके, मुझे बहुत पसंद थी। चीमा साहब काली बकरी के बच्चे कितने आए थे नीचे उसके? उसने पांच दिए थे। पांच पांच और छेले, छेले क्या थी? पांच छेले थे। अच्छा किसको बेची थी आपने वो? मुझे वो यामिन लेके गया था वो। अच्छा माशा, चलो अल्लाह ताला उसको बरकत दे। तो बकरी बहुत मुझे पसंद थी इनके घर में, वो बारीक बड़ी थी, पीछे ब्लड लाइन बहुत अच्छी थी। चीमा साहब किस घर की थी वो बकरी पुरानी? गुजर ब्रादर से ली थी, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ, ठीक है अल्लाह ताला खैर करे। भाइयो तो रीर साहब चुम आए फिर बकरी के बारे में, बायोडाटा दोस्तों को बताना है इसकी हाइट लेंथ में और सारा आगे क्रॉस की हाइट लेंथ है माशाल्लाह होनी 40, ठीक है इंशाल्लाह ठीक है। लेंथ बहुत ज्यादा है मुझे नजर आ रही है माशाल्लाह, चार पाई की तरह लेंथ है माशाल्लाह। और भाई यो बकरी मैं आपको रियली बार बता दूं, बकरी जो खुद मजबूत होती है ना, खुराक खाने की अच्छी और सारा, तो वही दूध भी आगे अच्छा करती है। आप बकरी को डालें कुछ ना, मजबूत ना हो तो फिर वो आगे बच्चे क्या उसने पैदा करने हैं और क्या उसने दूध देना है, ये तो आप समझते हैं इस बात को। राहिल भाई आगे मुस्तकिल में आगे क्रॉस करवा ली है नहीं करवाई? नहीं ये बोली हुई है क्रॉस करवानी है। क्रॉस अभी क्या बच्चों को और दूध पिलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? बच्चे तो माशाल्लाह तीन महीने दूध बहुत होता है लेकिन इन्होंने 4-4.5 महीने पी लिया। अच्छा माशाल्लाह पुठ बन गई है आपकी बात रियल है माशाल्लाह, बैकग्राउंड पट्ठों की बहुत अच्छी बन गई है और जबरदस्त है। ये देखें जरा ना, ये देखें ना नीचे से भाइयों चटियां, अभी देखें माशाल्लाह ये जो चीज है, ये देखें जरा, ये देखें जरा चटियां माशाल्लाह माशाल्लाह। भाइयों नजरे बद के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला नजरे बद से बचा के रखे इन पट्ठों को। तो मेरे ये छोड़े जरा बकरी की, ये देखें जरा माशाल्लाह, अल्लाह तेरी शान माशाल्लाह। भाइयों वाकई रियल में जो है ना चीज जो तारीफ के काबिल है वही चीज है माशाल्लाह, जबरदस्त पॉइंट वाली, ए प्लस पॉइंट वाली चीज है। तो आगे रहील भाई बताएं क्या प्लान है, किस बकरे से क्रॉस करवानी है आपने? ये देखो कि बकरा तो लग रहे हैं, कोई अच्छा बकरा मिल जाए। मैंने रहील भाई को बताया हुआ है हाजी जफर के घर हमारा ब्रीडर है माशाल्लाह, उसके बच्चे माशाल्लाह जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 1.5-1.5 लाख, सवा सवा 1.5-1.5 लाख के, 2-2 लाख के बिके हैं। तो उससे क्रॉस करवानी है। तो रहील भाई बकरी का एक दफा फिर लास्ट दीदार करवा दें, तो लोगों से दुआएं लें, अल्लाह ताला खैर करे, वीडियो फिर एंड करेंगे देख लें एक दफा लाजमी, तो अल्लाह ताला खैर करे माशाल्लाह। ये देखो हाँ जी इधर ही आ जाऊं, भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस लाजमी कर लिया करें। आपको तो पता है पूरे शहर की नामवर बकरियां दिखाने का दायरा है बीचल गोट्स पाकिस्तान आसिफ रजा। तो भाइयों लास्ट में इस बकरी के लिए दुआ लाजमी करनी है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी में सिर्फ रहील भाई दास आखिरी दफा दांत दिखा दें, कोई ये ना समझे कि बूढ़ी बकरी है,
भाई, पट है अभी सही तरह खोल के दिखा दे दोस्तों को, ये देखते हैं अभी लवी पट है भाई, दूसरे सुबह में है ये देखते हैं। वैसे माशाल्लाह हुसन ऐसे लगता है जैसे 10 सुबह सुई हुई है, इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने इसको हुसन लगाया है। अल्लाह ताला खैर रहे भाई, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे। पिछली दफा दो पट्टे पिछली दफा भी थी, वो अब किस दोस्त को दी थी बता दें? वो इधर अठाड़ पिंड से बाबा बूटा, उनका भतीजा सी रेहान, रेहान भाई लै गए सी मेरे। किधर था वो रेहान भाई? वो खुद इंग्लैंड होंगे। अच्छा, ते पट्ठा दो मेरे को लै गए सी, वो माशाल्लाह दोनियां नहीं हले होइयां सी। तो रहेल भाई, अगर कोई बहुत अच्छा कस्टमर पट्ठों का लगे तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं आप शौक नहीं रखते हैं वास भाई। हाँ जी, तो एक सुबह मेरा वो लै गए रहेल भाई, वो ही बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, कोई अगर तो अल्लाह ताला ठीक है, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह आपके नसीब में करे रहील भाई, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दे आपको, अल्लाह ताला इज्जत दे बरकत दे आपको। अस्सलामु अलैकुम।